हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एट योर होम। सो बिफोर वी स्टार्ट टूडेज वर्क, लेट्स टेक द प्लेज। आई कमेंट टू बी विलिगन एंड बियर इन माइंड एट ऑल टाइम्स द रिस्क टू माइसेल्फ एंड माई कोलीग्स फ्रॉम COVID-19। आई प्रोमिस टू टेक ऑल नेसेसरी प्रिकॉशन दैट प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ दिस डेडली वायरस। आई प्रोमिस टू फॉलो एंड इनकरेज अदर्स टू फॉलो द की कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। To always wear a mask, face cover, especially when in a public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from other. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. बच्चों, आज सबसे हिंदी सुरभि की रीडर की बुक्स निकालनी है। आज हम उसका पार्ट टू रीड करेंगे, जो है बूढ़ा गिद्ध के बारे में। बूढ़ा गिद्ध, इस कविता के बारे में हम पढ़ेंगे। गंगा नदी के किनारे एक पर्वत था, उस पर्वत पर एक बहुत बड़ा वृक्ष था। वृक्ष पर बने एक कोठर में एक गिद्ध रहा करता था। गिद्ध जब बूढ़ा हुआ तो उसके नाखून जड़ गए और आंखों की रोशनी कम होगी। गंगा नदी के किनारे क्या था, एक पर्वत था, उस पर्वत पर एक बहुत बड़ा वृक्ष था, और वृक्ष में बने एक कोठर में, जो ये देख रहे हो ना आप पिक्चर में, ये कोठर में कौन रहा करता था, गिद्ध रहा करता था। गिद्ध को क्या होता, गिद्ध बूढ़ा हो चुका था और उसके नाखून झड़ गए थे और आंखों की रोशनी भी कम हो गई थी। उस वृक्ष पर अन्य अनेक पंछी भी रहा करते थे, और पंछी भी इस वृक्ष पर रहा करते थे। वे अपने भोजन में से थोड़ा भोजन गिद्ध को दे दिया करते थे। वे क्या करते थे कि अपने भोजन में से थोड़ा भोजन गिद्ध को दे दिया करते थे। इसका उस इस प्रकार उसका निर्वाह हो जाता था, मतलब इस प्रकार उसका जीवन चल रहा था। जब पंछी भोजन की तलाश में जाते तो गिद्ध उनके बच्चों की देखरेख करता था। जब पंछी बाकी पंछी थे जो भोजन की तलाश में जाते तो गिद्ध क्या करता था, उनके बच्चों की देखरेख कर दिया करता था। एक बार एक बिलाव उधर से निकला। एक बार क्या हुआ कि एक बिलाव उधर से निकला, उसने देखा कि उस वृक्ष पर अनेक पंछियों के बच्चे हैं। उसने क्या देखा कि उस बिलाव ने क्या देखा, उसने देखा कि उस वृक्ष पर अनेक पंछियों के बच्चे हैं। बिलाव क्या होता है, बच्चे बिल्ली को, जो नर बिल्ली होती है उसे बिलाव कहते हैं, ठीक है, बिलाव होता है बिल्ली। उसे पंछियों के बच्चों को खाने की इच्छा होने लगी। क्या होने लगी, पंछियों के बच्चों को खाने की इच्छा होने लगी। इस विचार से वह वृक्ष के समीप आया। इस विचार से क्या हुआ, वह वृक्ष के समीप आया। आगे नेक्स्ट पेज। बिलाव को आता देख पंछियों के बच्चे डरकर चीखने चिल्लाने लगे। गिद्ध ने जब उनका चिल्लाना सुना तो जोर से कहा, कौन आ रहा है। जब बिलाव को आता देख पंछियों के जो बच्चे थे ना, वो डर के चीखने चिल्लाने लगे। जब उनका चिल्लाना गिद्ध ने सुना तो उन्होंने पूछा कि कौन आ रहा है। बिलाव ने जब गिद्ध को देखा तो भयभीत होकर सोचने लगा, हाय अब तो मैं मरा। जब बिलाव ने गिद्ध को देखा तो क्या डर के मारे क्या सोचने लगा कि अब तो मैं मरा। उसने मन ही मन विचार किया कि भेद से तब तक भयभीत नहीं होना चाहिए जब तक वह सामने ना आ जाए। अगर वह सामने आ ही जाए तो बुद्धिमान को चाहिए कि उससे बचने का उपाय करे। वो क्या सोच रहा है कि अगर भय तब तक हमें भय से तब तक भयभीत नहीं होना चाहिए, मतलब हमें डर से तब तक नहीं डरना चाहिए जब तक वह हमारे सामने ना आ जाए, ठीक है, इसमें हमें शिक्षा मिल रही है। और अगर वह सामने आ ही जाए तो बुद्धिमान से क्या करना चाहिए, बुद्धिमानी से उससे बचने का उपाय करना चाहिए कि हम डर को कैसे दूर भगा सकते हैं। ये सोचकर वह गिद्ध के पास गया और बोला, बड़े भाई मैं आपको प्रणाम करता हूँ। वह गिद्ध के पास गया और उसे बोला, बड़े भाई मैं आपको प्रणाम करता हूँ। गिद्ध ने पूछा, कौन हो तुम। उसने कहा, मैं बिलाव हूँ। दूर हट नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, गिद्ध ने गुस्से में कहा। जब उसने प्रणाम किया तो उसने ये कहा गिद्ध से कि गिद्ध ने पूछा तुम कौन हो, तो उसने कहा मैं बिलाव हूं। तो गिद्ध ने कहा, दूर हट नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा, ये गिद्ध ने गुस्से में कहा था। बिलाव बोला, आप मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद यदि आप उचित समझे तो मुझे मार डालिए। कहा भी है कि समझदार व्यक्ति को चाहिए कि अनजान व्यक्ति को अथवा उसके व्यवहार को भली भांति समझ परख कर ही मारना अथवा सम्मान करना चाहिए। भी मतलब वो कह रहा है कि अगर किसी मतलब समझदार व्यक्ति को चाहिए कि अनजान व्यक्ति को उसके व्यवहार को, अगर किसी अनजान व्यक्ति हमें मिल जाता है तो हमें पहले उसके व्यवहार को जानना परखना चाहिए,
वो उस बात को गीत को कह रहा है, तभी उसे कह रहा है कि पहले उसके व्यवहार को बलिभांति समझ लो, फिर मतलब उसका परख कर ही मारना या समान करना चाहिए, अगर अच्छा तो समान करो, अगर बुरा है तो उसे मारना चाहिए। गिद्ध बोला, अच्छा बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? बिलाव बोला, मैं यहाँ गंगा तट पर रहता हूँ और नित्य गंगा स्नान करता हूँ। क्या बोला बिलाव? कि मैं यहाँ गंगा तट पर रहता हूँ, नित्य गंगा स्नान करता हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं नित्य पूजा व्रत करता हूँ, इसलिए मैंने मांस खाना छोड़ दिया है। यहाँ रहने वाले पंछी आपकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि आप बड़े धर्मात्मा और ज्ञानी हैं, इसलिए आप पर भरोसा किया जा सकता है। इसमें वो कह रहा है बिलाव गिद्ध से कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं नित्य पूजा पाठ करता हूँ, उसे बहका रहा है कि उस पर, ताकि गिद्ध उस पर विश्वास करे। और उसने कहा कि मैंने मांस खाना छोड़ दिया, यहाँ रहने वाले सभी पंछी वो कह रहा है कि आपकी प्रशंसा करते हैं, उन्होंने बताया कि बड़े गिद्ध भी बड़े धर्मात्मा और ज्ञानी हैं, इसलिए आप पर भरोसा किया जा सकता है। आप जैसे विद्वान से मैं धर्म के बारे में जानने के लिए यहाँ आ गया था, किंतु आप तो घर आए अतिथि को ही मारने दौड़े। वो कह रहा था कि मैं तो आपके इन विचारों को सुन के मैं आपके पास आया, लेकिन किंतु आप मुझे को ही मतलब अतिथि को ही मारने दौड़े। अतिथि क्या होते हैं बच्चों? अतिथि वो होते हैं जो मेहमान होते हैं, ठीक है। घर में आए हुए शत्रु का भी उचित आतिथ्य सत्कार किया जाना चाहिए। वो कह रहे कि अगर घर में आए अतिथि होते तो हमें उसका भी आदर मान करना चाहिए। क्या आपने नहीं देखा कि वृक्ष काटने आए लकड़हारे को भी वृक्ष अपनी छाया देता है? कि अगर वो कह रहा है कि जैसे वृक्ष काटने आए लकड़हारा होता है, उसे क्या करते हैं, वृक्ष उसे भी छाया देते हैं, ठीक है। वह उस पर भी उसी भाव से छाया करता है जिस भाव से अन्य पथिकों पर किया करता है। भी वह कह रहा है कि जैसे वृक्ष लकड़हारा वृक्ष को काटना है, वह उसे भी छाया देता है और जो अन्य पथिकों भी छाया देता है। यदि किसी के पास उचित सामग्री ना हो तो भी केवल मीठी बातों से ही उस अतिथि का स्वागत करना चाहिए। वह कह रहा है कि अगर किसी के पास उचित सामग्री नहीं है कि वो के मतलब किसी के पास उचित सामग्री नहीं है तो केवल मीठी बातों से ही अतिथि का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि अतिथि को तो देवता माना गया है। क्या माना गया है? अतिथि को देवता। अगर आपके घर में कोई मेहमान भी आ जाए तो बच्चों हमें उनका, अगर मीठी बातों से हमें उनका आदर सम्मान करना चाहिए, ठीक है। बिलाव की बातें सुनकर गिद्ध बोला, भाई तुम तो बिलाव हो, स्वभाव से ही मांसाहारी। इस वृक्ष पर पंछियों के बच्चे निवास करते हैं, इसलिए मैंने ऐसे कहा है। यह सुनकर बिलाव कान पकड़कर कहने लगा, मैंने धर्म शास्त्रों को सुनकर ही पूजा पाठ करना आरंभ किया है। उसमें गिद्ध कह रहा है कि भाई तुम तो बिलाव हो, स्वभाव से ही मांसाहारी हो, तो पर पंछियों के बच्चे निवास कर, इसलिए मैंने ऐसा कहा। यह सुनकर बिलाव ने क्या बोला कि मैंने धर्म शास्त्र सुनकर ही पूजा पाठ आरंभ किया है। शास्त्रों में विभिन्न विषयों पर भले ही मतभेद रहता हो, किंतु अहिंसा सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इस विषय पर सब शास्त्र एक मत है और एकमात्र धर्म ही वाणी प्राणी का ऐसा मित्र है जो मरने के बाद उसके साथ जाता है, शेष तो शरीर के साथ ही नष्ट हो जाता है। वो तो कह रहा है कि एक हम धर्म है, अगर हम धर्म मतलब पूजा पाठ करके वही एकमात्र हमारे मरने के बाद हमारे साथ जाता है, शरीर तो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इस प्रकार बिलाव ने गिद्ध को विश्वास दिला दिया। जो बिला इस प्रकार क्या किया था, बिलाव ने गिद्ध को विश्वास दिला दिया था, तो गिद्ध ने क्या किया, गिद्ध ने बिलाव को एक छोटे कोठर में रहने की अनुमति दे दी। कुछ दिन बीत जाने पर बिलाव वहां की सारी परिस्थिति को समझ गया, गिद्ध बूढ़ा और अंधा है। यह जानकर उसने पंछियों के बच्चों को पकड़ पकड़ कर अपने कोठरी में लाकर मारना आरंभ कर दिया। क्या समझ गया था वो ना बिलाप, गिद्ध की सारी परिस्थिति समझ गया था कि गिद्ध क्या है, गिद्ध क्या था, बूढ़ा था, अंधा था, इसलिए वह कह रहा था कि ये देख नहीं पा रहा, इसलिए वह पंछियों के बच्चों को मार कर पकड़ पकड़ कर उसके कोठरी में लाकर मारना आरंभ कर दिया था। वह पंछियों के मरे हुए बच्चों की हड्डियां चुपके से गिद्ध के कोठरी में छिपा दिया करता था। वह क्या करता था, जो पंछियों के मरे हुए बच्चों की हड्डियां थे वो चुपके से गिद्ध के कोठरे में छिपा देता था। जिन पंछियों के बच्चे छिपा देता था, सॉरी, अंधा होने के कारण गिद्ध को कुछ भी दिखाई नहीं देता था। गिद्ध क्या था, अंधा, इस कारण उनसे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। जिन पंछियों के बच्चे मारे गए थे उन्होंने चीखना चिल्लाना आरंभ किया,
जब बच्चों की संख्या लगातार घटती गई तो सभी ने मिलकर इसकी खोज आरंभ कर दी। जब पंचों ने देखा कि हमारे बच्चों की संख्या घट रही है तो उन्होंने क्या किया कि सब मिलकर खोज करनी शुरू कर दी कि ठीक है। बिलाव को जब इस स्थिति का ज्ञान हुआ तो अपने कोठर से निकलकर भाग गया। पंछों को चैन नहीं था, उन्होंने गिद्ध के कोठर में भी तलाशी ली। पंछों का क्या था? चैन भी नहीं था, इसीलिए उन्होंने गिद्ध की कोठर की भी क्या ली? तलाशी ली। वहां उन्होंने कोने में हड्डियां देखी। क्या देखी? कोने में हड्डियां देखी। सबने यही सोचा कि बूढ़े गिद्ध ने ही उनके बच्चों को मारकर खाया है। बस फिर क्या था, पंचों को गिद्ध पर इतना क्रोध आया कि बिना उससे कुछ पूछे उन्होंने उसको अपनी चोंच से मार मार कर अधमरा कर दिया। कुछ ही दिनों में बेचारा बूढ़ा गिद्ध मर गया। कुछ ही दिन में क्या हुआ था, जो बूढ़ा गिद्ध था वो मर गया। ठीक है बच्चों, इस हमें क्या इस शिक्षा से क्या मिलता है कि किसी को भी जाने परखे हुए बिना उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर किसी को हमें जाना नहीं परखा नहीं तो हमें उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें उन पर जान परख कर ही हमें उन पर विश्वास करना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसके आपको कठिन शब्द बुक पर हम करने जा रहे हैं असाइनमेंट 3 सब्जेक्ट हिंदी पार्ट 2 बूढ़ा गिद्ध। कठिन शब्द के अर्थ जानिए। पार्ट 2 के कठिन शब्द है निर्वाह, क्या होता है? गुजारा, गुजारा करना। समीप पास, जो कहते हैं ना वो हमारे पास है, या समीप वो कह रहा होता है समीप पास। नित्य रोज, भरोसा विश्वास, सत्कार स्वागत, पथिक यात्री। बिलाव क्या होता है? नर बिल्ली। बिल्ली को क्या कहते हैं? बिलाव। परख क्या होता है? देखभाल और जान। ब्रह्मचारी जो आजीवन विवाह ना करने का संकल्प लेता है कि मैंने विवाह नहीं करना, उसे हम क्या कहते हैं? ब्रह्मचारी। अतिथि मेहमान, अनुमति आज्ञा, तलाशी खोज। आगे बच्चों नेक्स्ट, सही उत्तर के सामने ठीक का निशान लगाइए। गिद्ध कहाँ रहा करता था? गंगा नदी के किनारे, पर्वत पर, या वृक्ष की कोठर में? गिद्ध कहाँ रहता था? वृक्ष की कोठर में। बिलाव किस विचार से वृक्ष के पास आया? गिद्ध से धर्म कर्म की बातें करने, गिद्ध से धर्म के बारे में जानने, गिद्ध से मित्रता करने, या धर्म कर्म की बातों के बहाने पंछों के बच्चों को खाने? क्या करने आया था बिलाव? धर्म कर्म की बातों के बहाने पंछों के बच्चों को खाने। थर्ड, उचित सामग्री ना होने पर भी अतिथि का स्वागत कैसे करना चाहिए? पानी पिलाकर, उचित स्वागत सत्कार करकर, मीठी वाणी बोलकर, या अतिथि की प्रशंसा करकर? कैसे हमें अतिथि का स्वागत करना चाहिए? अगर उचित सामग्री ना हो तो क्या करना चाहिए? मीठी वाणी बोलकर। अतिथि को क्या मानना चाहिए? बिलाव, गिद्ध, देवता, या इनमें से कोई नहीं? क्या मानना चाहिए अतिथि को? देवता। बिलाव क्या करता था बच्चों? गिद्ध से धर्म कर्म की बातें करता था, पंछों के बच्चों को खा जाता था, या कठिन व्रत पूजा करता था, या पंछों के बच्चों को खाकर उनकी हड्डियां गिद्ध के कोठर में रख देता था? क्या करता था बिलाव? पंछों के बच्चों को खाकर उनकी हड्डियां गिद्ध के कोठर में रख देता था। बच्चों इसके बाद आपके नेक्स्ट हैं वाक्य पूरे कीजिए। वृक्ष पर बने एक देश में एक गिद्ध रहता था। किस में रहता था गिद्ध? कोठर में। गिद्ध पंछियों के देश कर दिया करता था। क्या करता था? देख रेख। भय से तब तक देश नहीं होना चाहिए जब तक वह सामने ना आ जाए। क्या नहीं होना चाहिए भय से? भयभीत। घर में आए हुए शत्रु का भी उचित देश किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? आतिथ्य सत्कार। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपने हाँ या नहीं में उत्तर देना है। घर में आए हुए शत्रु का भी उचित आतिथ्य सत्कार किया जाना चाहिए, है ना बच्चों? घर में आए हुए शत्रु का करना चाहिए ना? यस, हाँ आएगा। मुश्किल परिस्थितियों में भयभीत होकर भाग जाना चाहिए। इस शिक्षा में हमें क्या मिलती है? मुश्किल परिस्थितियों में भयभीत होकर हमें भाग जाना चाहिए? नहीं। कोई भी निर्णय हमें बिना विचारे ले लेना चाहिए? नहीं आएगा बच्चे। कोई भी निर्णय हमें बिना विचारे नहीं लेना चाहिए। शास्त्रों में अहिंसा को सर्वश्रेष्ठ धर्म माना गया है? हाँ जी। हमारे देश में अतिथि को देवता के समान माना गया है? हाँ। हमारे देश में अतिथि को देवता के समान माना गया है? हाँ। उसके बाद आपके हैं नीचे दिए गए प्रश्नों के
उत्तर लिखिए। बूढ़े और कमजोर गिद्ध को भोजन कैसे मिलता था? कैसे मिलता था? उस वृक्ष पर अन्य अनेक पंछी भी रहा करते थे, वह अपने भोजन में से थोड़ा भोजन गिद्ध को दे दिया करते थे, इस प्रकार उसका अनिर्भय हो जाता था। जो मैंने स्टोरी में हमने रीड किया है ना कि जो अन्य पंछी रहा करते थे वो अपने भोजन में से थोड़ा भोजन क्या करते थे, गिद्ध को दे दिया करते, इस प्रकार उसका निर्भय हो जाता था। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, गिद्ध को देखकर बिलाव क्यों डर गया? बिलाव इसलिए भयभीत हुआ क्योंकि उसको लगा कि गिद्ध उसे देखकर मार डालेगा। क्यों भयभीत हो गया? क्योंकि उसको लगा कि गिद्ध उसे देखकर मार डालेगा। थर्ड, बिलाव ने गिद्ध को अपने बारे में कैसा विश्वास दिलाया? बिलाव ने गिद्ध को कैसा विश्वास दिलाया था? बिलाव ने गिद्ध को अपने आप को ब्रह्मचारी कहा और नित्य पूजा पाठ करता और व्रत करता हूँ, ये कहा था उसने, इसलिए मैंने मांस खाना छोड़ दिया। वो क्या कहता है कि मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं नित्य पूजा पाठ करता हूँ, नित्य व्रत करता हूँ और मैंने मांस खाना छोड़ दिया था, जिससे गिद्ध को उसकी बातों पर क्या हो गया था, विश्वास आ गया था। बिलाव वृक्ष के समीप किस उद्देश्य से आया था? वह वृक्ष पर रहते पंछियों के बच्चों को पकड़कर एवं मारकर खाने के उद्देश्य से आया था। बच्चों वृक्ष पर जो पंछी रहते थे उनके बच्चों को पकड़कर एवं मारकर खाने के उद्देश्य से आया था, और जो हड्डियां होती थी उसे गिद्ध के कोठर में रख दिया करता था। और जो हड्डियां होती थी वो क्या करता था, गिद्ध के कोठरे में उसे रख दिया करता था। वह वृक्ष पर रहते पंछों के बच्चों क्या करने आया था? बिलाव वह वृक्ष पर रहते हुए बच्चों को पकड़कर उनको मारकर खाने के उद्देश्य से आया था, और जो हड्डियां होती थी मारकर खा के खाने के बाद वो क्या करता था, गिद्ध के कोठरे में रख दिया करता था। इसके बाद आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, पंछियों ने बूढ़े गिद्ध को क्यों मार डाला? जब पंछियों ने गिद्ध को कोठर की तलाशी ली तो उन्होंने देखा कि हड्डियां पड़ी थी। जब पंछियों ने क्या किया कि उनके बच्चों की संख्या कम होती गई तो गिद्ध ने देखा कि मतलब पंछियों ने सोचा कि अब गिद्ध के कोठर की भी हमें तलाशी लेनी होगी। जब गिद्ध के कोठर की तलाशी ली तो उन्होंने देखा कि हड्डियाँ पड़ी थी। सभी ने सोचा कि गिद्ध ने ही उनके बच्चों को मार खाया है। इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? यह है कि बुरे लोगों का साथ देने पर किस प्रकार अपना भी बुरा होता है, कि अगर हम बुरे लोगों का साथ देंगे तो इससे क्या होगा, हम अपना भी बुरा होगा। जैसे कि बूढ़े गिद्ध ने एक धूर्त और चालाक बिलाव पर विश्वास करके अपना सर्वनाश कर लिया। जैसे कि बूढ़े गिद्ध ने क्या किया था, एक धूर्त और चालाक बिलाव पर विश्वास करके अपना क्या कर लिया था, सर्वनाश कर लिया था। इससे बच्चों में क्या शिक्षा मिलती है कि भाई बिना सोचे समझे बिना विचारे हमें किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है बच्चों। किसी के अनजाने की बातों में हमें कभी नहीं आना चाहिए, पहले उसे जानना चाहिए, परखना चाहिए, तभी हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। होप है बच्चों आप सभी को यह समझ आ चुका होगा। तो ओके, थैंक यू डियर, हैव अ नाइस डे।